हेलो सभी बच्चे, क्लास 9th के इस सेशन से जुड़ जाइए। आज हम क्या करेंगे, आज हम क्लास 9th की जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सभी स्टूडेंट अपनी कॉपियाँ निकाल लो। ठीक है, अपनी कॉपियाँ और अपनी बुक्स निकाल लो। पहले NCERT बुक्स है क्लास 9th की। ठीक है, सभी बच्चे अपने बुक्स को निकाल लीजिएगा और इसमें एक्सरसाइज 8.2 खोल लीजिएगा। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 8.2 खोल लीजिएगा। देखिए बच्चों, 8.1 तो हो गया था, 8.2 देखिए पहले ध्यान से। एक्सरसाइज 8.2 में केवल दो बेसिक कंसेप्ट है, क्या है? एक्सरसाइज 8.2 में जो क्लास 9th की कंसेप्ट, वो केवल टू है। सबसे फर्स्ट वाला कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्या होती है। देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम मैंने अपनी प्लेलिस्ट में प्रूव करा रखी है मैंने क्लास 9th के बच्चों को, वहाँ से आप देख लीजिएगा। देखिए, एक ट्रायंगल हमारे पास ABC होता है, इस साइड पर एक मिड पॉइंट मान लिया D है और इस साइड पे मान लिया E है। तो इस मिड पॉइंट से जाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है हमेशा। अगर ये दोनों मिड पॉइंट होते थे तो हम बोलते थे कि AD इक्वल टू DB और ए ई इक्वल टू ई सी होता है। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल मानी जाती है और ये डिस्टेंस इक्वल माना जाता है और ये डिस्टेंस इक्वल माना जाता है। और डी ई क्या होता है, अगर अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी साइड का मिड पॉइंट है और डी पैरेलल है बी सी के, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो जो ये साइड होगी, ये साइड इस साइड की पैरेलल होगी। डी, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है ना, तो ये साइड क्या होगी, पैरेलल होगी इस साइड की, और देन ये साइड क्या होगी, ये डी ई जो साइड है वो हाफ ऑफ बी सी हो जाती है, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तब। ठीक है, अगर डी और ई, डी साइड ए बी का मिड पॉइंट और ई साइड ए सी का मिड पॉइंट है, तो देन तब डी जो साइड होती है वो हाफ ऑफ बी सी होती है और डी क्या होता है, बी सी के इक्वल होता है। मिड पॉइंट थ्योरम ये चीज़ कहती है। ठीक है, एक बार ध्यान सुन लो, एक ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास है, साइड ए बी पर मिड पॉइंट डी है और साइड ए सी पर ई है। यदि साइड ए बी पर डी मिड पॉइंट है और ए सी पर ई मिड पॉइंट है, तो बिकॉज डी बी सी का हाफ हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा, बी सी का पैरेलल हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है दोनों तो हमें रिजल्ट ये वाला मिल जाता है। इस बात का ध्यान रहे मूल रूप से। ठीक है, इस बात का बिल्कुल मूल रूप से ध्यान रहे। ठीक है, तो इसको पहले ध्यान से लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें इससे क्या कंसेप्ट मिलता है, हमें मिलता है कि ये साइड इसके पैरेलल होती है और ये साइड इस साइड का हाफ होती है। इस बात का ध्यान रहे, क्वेश्चन में जैसे ही बोल देगा कि ये डी और ये मिड पॉइंट है तो हम सीधे वहाँ पर ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, सीधे ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तब। इस बात का ध्यान रहे, नोट कीजिएगा इसको ढंग से। चलो, तो फर्स्ट कंसेप्ट हमने समझ लिया है, अगर ये दोनों साइड पर मिड पॉइंट है तो बिकॉज हम कह सकते हैं, वी कैन से डेट कि जो साइड होगी वो पैरेलल होगी बी सी की और जो साइड डी होगी वो हाफ ऑफ बी सी की होगी। देन अगर अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड कंसेप्ट,
सेकंड कंसेप्ट हमने प्रूव कराया था, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो हमने कंसेप्ट सीखा था, हमने सेकंड एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए जो हमने कंसेप्ट को हमने सीखा था, ठीक है, थ्योरम को हमने जो प्रूव की थी वो ये थी कि यदि अगर एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, एक ट्रायंगल एबीसी हमें गिवन है, एक ट्रायंगल हमें एबीसी गिवन है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, एक ट्रायंगल हमें गिवन है और थ्योरम 8.9 या फिर 10 ये कहती है कि यदि अगर एबीसी एक हमारे पास ट्रायंगल है और किसी भी साइड पर, एनी साइड पर एक मिड पॉइंट आप मान लो, ठीक है, आप चाहे बीसी पे मिड पॉइंट मान सकते हो, एसी पे मिड पॉइंट मान सकते हो, एबी पे मिड पॉइंट मान सकते हैं, किसी भी साइड पर आप एक मिड पॉइंट मान लो पहले, ठीक है, लेट कर लो कि मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दे के रखता है, ठीक है, जो थ्योरम्स है 8.10 उसमें दे के रखता है कि ट्रायंगल एबीसी हमारे पास होगा और एनी साइड पर एक मिड पॉइंट होगा, किसी भी वन साइड पर क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा। हम मान लेते हैं कि ए बी साइड पर एक मिड पॉइंट है डी, हम मान लेते हैं कि जो ए बी साइड पर एक मिड पॉइंट है वो है डी, ठीक है, इतनी बात वो क्वेश्चन में देगा कि एक हमारे पास ट्रायंगल होगा और इसकी एक साइड पर, वन साइड पर एक मिड पॉइंट होगा, और ठीक है चलो। अब देखिए थ्योरम में ये कहता है कि यदि अगर डी मिड पॉइंट है तो इस मिड पॉइंट से जाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो ट्रायंगल की, देखिए जिस साइड पर आपने मिड पॉइंट लिया है उस साइड को बोलते हैं फर्स्ट साइड ट्रायंगल की, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब उस थ्योरम में ये कहता था मिड पॉइंट का जो मतलब, देखिए जो ये थ्योरम थी वो थी द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता था, थ्योरम नंबर ये आपकी क्या है, 8.10 बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, वो है ये थ्योरम, देखिए ध्यान से। उसमें कहता है ट्रायंगल की एनी साइड पर एक मिड पॉइंट लो और जिस साइड पर आप मिड पॉइंट लोगे ना उसको आपको इसकी फर्स्ट साइड माननी है, ट्रायंगल की ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड, ये थर्ड साइड हो जाएगी। तो जो मिड पॉइंट ये डी आपने लिया है इससे जाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड को एसी, मतलब थर्ड साइड को किसी एनी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। मैंने मान लिया है कि ए बी पर एक मिड पॉइंट डी है, इससे जाने वाला लाइन सेगमेंट है वो एसी को एफ पे क्या करता है, इंटरसेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो देखिए अब इस वाली फिगर में हमें क्या गिवन होता है, हमें गिवन होता है कि डी ए बी का मिड पॉइंट है और डी एफ बी सी के क्या होता है, पैरेलल होता है। इतनी बात केवल पता होती है कि ए बी साइड पर डी मिड पॉइंट है, डी एफ जो लाइन सेगमेंट है वो बी सी के पैरेलल है, तो प्रूव करो कि एफ क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमने प्रूव करा है इसको, तो अब मैं यहाँ पर सीधा देखिए रिजल्ट लिख लूँगा, ठीक है। देखिए अगर ये मिड पॉइंट है और ये साइड इस साइड की अगर पैरेलल है तो देन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि एफ बी क्या हो जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। यदि डी ए डी साइड पर मिड पॉइंट है और डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है तो बिकॉज एफ क्या हो जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। और यही वाला हमने कंसेप्ट 8.1 में, 8.2 में यूज करना है, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर में लगातार ये वाला हम यूज करेंगे वहाँ पे कंसेप्ट। इस बात का ध्यान रहे अगर ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो बिकॉज हमें क्या, हम क्या कह सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, केवल कंसेप्ट पर फोकस करो, डेवलप करो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में देखिए हमें इतना गिवन होगा कि ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है और डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ए बी का डी क्या है, मिड पॉइंट है। और देन हमें एक बात और पता होगी कि डी एफ क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी के, डी एफ पैरेलल टू बी सी। अगर ये दोनों बात हमें मालूम हो किसी भी ट्राइंगल के अंदर तो वी कैन सी डेट, हम क्या कह सकते हैं कि जो मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन सेगमेंट डी एफ है, मतलब जो पॉइंट एफ है वो ए सी का भी क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और रीजन क्या रहेगा, बाई कन्वर्स ऑफ द
मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो देयर फॉर इतने दो रिजल्ट से अब हम क्या बोल सकते हैं कि बाई कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के विलोम से हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्स से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि f इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, बिकॉज f इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, ठीक है। इस कंसेप्ट से हम क्या निकाल सकते हैं कि f क्या हो जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। यही दोनों जो कंसेप्ट है वो हमें यूज करने एक्सरसाइज 8 पॉइंट, एक्सरसाइज कौन सी है 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमें यूज करने हैं, ये दोनों वाले कंसेप्ट हमें यूज करने हैं, ठीक है। फर्स्ट में तो फर्स्ट वाला यूज होगा, सेकंड में सेकंड वाले कंसेप्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो हम सब यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए, चलो ठीक है। तो बच्चों इतना करने के बाद अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक्स का, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स पे आएंगे और क्वेश्चन को लेना स्टार्ट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सीबीएसई वाले बोर्ड के जो बच्चे हैं ना उनके लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो वो बच्चे इनको ध्यान से देखें और इनको ध्यान से सॉल्व करें, ठीक है। चलो तो एनसीईआरटी बुक का ये पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है 150, क्या है 150, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, इंग्लिश मीडियम। देखिए ध्यान से, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, बी सी सी डी एंड डी ए, ए सी इज अ डायगनल सो डैट एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर हाफ इज इक्वल टू ए सी, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये चार रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। अब करता हूँ मैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसकी फिगर भी हमें दे रखी है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें चाहिए आपने फिगर भी मत देखो, कोशिश ये करो कि फिगर आप बुक से ना देखें, आप अपना क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर खुद बनाएं, ठीक है। अगर आपने बुक से देखा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिगर आप अगर खुद अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इससे आपको अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दें कि फिगर हमेशा अपने आप से बनाएं। तो देखिए बच्चों ए बी सी डी हमारे पास क्या है, हमारे पास ए बी सी डी है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चतुर्भुज है। तो हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, ऊपर जगह का शॉर्टेज हो जाएगा, वरना पेज नंबर को मैं ऊपर लिख लेता हूँ पहले। चलो यहाँ पे ये है, पेज नंबर है 150 इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। चलो तो बच्चों हमें क्या गिवन था, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की फिगर, चतुर्भुज की फिगर जिसमें फोर साइड होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। इस बात का ध्यान रहे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल जैसे सही से बना लीजिएगा आप, मैंने तो ये बना दिया, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों ए बी सी डी है, तो ए यहाँ मान लीजिएगा, इधर बी, इसको सी, इसको डी, क्वाड्रिलेटरल आपने मान लिया ए बी सी डी, ठीक है। अब कहता है कि इन विच पी क्यू आर एस एंड मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट, ठीक है। साइड ए बी पर जो मिड पॉइंट है वो पी है, साइड बी सी पर जो मिड पॉइंट है वो क्यू है, और जो साइड सी डी पर मिड पॉइंट है वो पी क्यू आर है, और जो साइड ए डी पर मिड पॉइंट है वो क्या है, एस है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इतनी क्वांटिटी इतनी वैल्यूज हमें क्या है क्वेश्चन ने दे रखी है, ठीक है, कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है उनकी जो साइड ए बी बी सी सी डी और ए डी है उन पर कोई मिड पॉइंट पी क्यू आर और एस लाई करता है, क्वेश्चन में लिखा गया है साफ, ठीक है। ये मिड पॉइंट है पी, ठीक है, पी क्या है साइड ए बी का मिड पॉइंट है, और क्यू क्या है साइड बी सी का मिड पॉइंट है, और आर क्या है साइड सी डी का मिड पॉइंट है, और एस क्या है साइड ए डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। चलो तो जितनी बातें हमें पहले गिवन है उसको हम लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों इसके मिड पॉइंट से जाने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको आप ज्वाइन करा दो ऐसे, इसको मैंने ज्वाइन कराया, इसको ज्वाइन करा दिया मैंने, और इसको ज्वाइन करा दिया, और इसको मिला दिया, ठीक है, ये वाला ऐसे। चलो
अब देखिए बच्चों, जो वैल्यू हमें लिखा है, तो जो वैल्यू हमें गिवन है, उसे हम एक सीक्वेंस से, एक रूल के हिसाब से लिखेंगे पहले यहाँ पर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे, गिवन क्वेश्चन में जो क्वांटिटी गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन हमें क्या है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, 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 ठीक है। चलो ये हमें गिवन है, चलो बहुत बढ़िया। पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल जो ए बी सी डी, इसमें पी क्यू आर एस क्या मिड पॉइंट है, तो लिख लो, ठीक है। पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आर द मिड पॉइंट, ठीक है। इस एस को यहाँ मान लो मिड पॉइंट्स, ठीक है। पी क्यू आर एस क्या मिड पॉइंट है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद एक बात हमें और गिवन है, एंड ए सी क्या डायगनल है, ए सी कहता है कि ए सी डायगनल है क्वेश्चन में, तो इसको हमें ज्वाइन कराना पड़ेगा, ठीक है। डायगनल इसने दे रखा है हमें, ए सी डायगनल है तो इसे हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एंड ए सी इज अ डायगनल, ए सी इज अ डायगनल, इतनी क्वांटिटी हमें लिखनी पड़ेगी गिवन में। चलो उसके बाद सो डैट, सो डैट का मतलब होता है टू प्रूव, हमें क्या इसको शो करना है ना, हमें क्या दिखाना क्वेश्चन में, तो टू प्रूव। इसके बाद क्या लिखते हैं, टू प्रूव। अब देखिए टू प्रूव में आपको क्या लिखना है, पहले ध्यान दीजिएगा कि एस आर पैरेलल है, एस आर पैरेलल है ए सी के, एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी, ये दोनों क्वांटिटी हमें प्रूव करनी है फर्स्ट केस में, फर्स्ट में। सेकंड में हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू क्या होगा एस आर के इक्वल होगा, और थर्ड में हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये इसको सिंबल है लिखने के, समांतर चतुर्भुज है ना, ठीक है। चलो तो चलो बच्चों, ये फोर रिजल्ट हमें प्रूव करनी है, ये थ्री रिजल्ट हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो ध्यान रहे इस बात का, यहाँ तक पहले आप वीडियो को रोक करके इसको सही से नोट कर ले, पॉज करके वीडियो को, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रूफ, क्या करते हैं स्टार्ट प्रूफ, यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रूफ के लिए देखिए बच्चों ध्यान से, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ना ए डी सी, इसमें ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, ऊपर वाली ट्राइंगल में, ए डी सी ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है कि एस मिड पॉइंट है ऑफ साइड ए डी और आर मिड पॉइंट है ऑफ साइड सी डी। तो यहाँ लिख देंगे पहले, इन ट्राइंगल ए डी सी एस इज द मिड पॉइंट, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, एस मिड पॉइंट किसका है ए डी का, तो एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। और फिर आर क्या है, सी डी साइड का मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, तो लिखना पड़ेगा आर इज द, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी या डी सी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। साइड को चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो, तो सी डी, तो मैंने यहाँ पे डी सी लिख दिया, ठीक है, कि जो आर है वो डी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि अगर ये इस साइड का मिड पॉइंट है और आर इस साइड का मिड पॉइंट है, तो इस साइड से जो जाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो होगी इस साइड के पैरेलल, और जो लाइन सेगमेंट ऐसा आ रहा है वो इस साइड का हाफ भी होगा। थ्योरम नंबर 8.9 में आपने वहाँ पर प्रूव किया था कि अगर एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी होता है, और यदि अगर इन दोनों साइड पर ये मिड पॉइंट डी और ई है, तो देन हम क्या कह सकते हैं कि जो ये रिजल्ट होगा
वो इस साइड का पैरेलल होगा, जो डी लाइन सेगमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बी सी के। एंड हम क्या कह सकते हैं कि डी ई हाफ हो जाएगा किसका, बी सी के। कहाँ से हम ये कह रहे हैं डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, कहाँ से बता पा रहे हैं हम ये, थ्योरम नंबर 8.9 से प्रूव करा था हमने, मिड पॉइंट थ्योरम से हम इसको कह पा रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे। चलो ठीक है, चलो तो सिमिलरली अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सिमिलरली अब इसने कहा है कि इस ए डी सी ट्राइंगल में एस क्या ए डी का मिड पॉइंट है और आर क्या डी सी का मिड पॉइंट है, तो बिकॉज इस मिड पॉइंट से जाने वाली जो लाइन सेगमेंट सी एस आर होगा वो ए सी का पैरेलल होगा एंड एस आर ए सी का हाफ होगा। कहाँ से मालूम चला, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो देयरफॉर अब हम क्या लिख सकते हैं, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो इससे जाने वाला लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल होगा और ये लाइन सेगमेंट इसका हाफ भी होगा। तो लिख लो देयरफॉर एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी। कहाँ से मालूम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एस आर हाफ ऑफ ए सी। बच्चों इसको आपको क्या मानना है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है, इसको आपको क्या मानना है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है। ठीक है, चलो इतना करने के बाद अब मेरे पे थोड़ी जगह का शॉर्टेज होने वाला है, मैं इसको चलो यहाँ करता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे बच्चों आपने ए डी सी ट्राइंगल में आपने किया है वैसे ही आपको ए बी सी ट्राइंगल में करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ मैं सिमिलरली सेम इसी प्रकार हमें ए बी सी ट्राइंगल में करना है, तो अब मैं क्या लिख दूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ध्यान से, ए बी सी में ध्यान से देखिए, ए बी देखो पी क्या है, ए बी साइड का मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये सारे मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस, तो पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू क्या है बी सी का मिड पॉइंट है, तो हम क्या, अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। देखिए इस वाले ट्राइंगल ए बी सी में ध्यान से देखिए, ये पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू क्या है बी सी का मिड पॉइंट है, तो थ्योरम 8.9 हमने क्या पढ़ी है, अगर इस ट्राइंगल में ये दोनों मिड पॉइंट है तो इन दोनों से जाने वाली जो लाइन होगी वो इस साइड के पैरेलल होगी और ये लाइन इस साइड का हाफ भी होगी। तो देयरफॉर अब हम क्या कह सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये हम नहीं कह रहे, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, थ्योरम लिख देना, यहाँ पर तो जगह नहीं थी। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो पी क्यू लाइन सेगमेंट होगा वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के एंड अगर ये इसके पैरेलल है एंड पी क्यू इक्वल हो जा पी क्यू हाफ ऑफ ए सी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, पी क्यू क्या हो जाता है, इसके पैरेलल और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी के इक्वल हो जाता है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। तो देखिए बच्चों, जो पहले वाला रिजल्ट हमें प्रूव करना था ना, देखिए यहाँ पे एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी, वो तो हमने यहाँ पर कर लिया प्रूफ। देखिए ध्यान से, एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी, वो तो हमने यहाँ पर कर लिया। अब देखिए सेकंड वाला रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है, तो सेकंड वाले रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लूँगा। ठीक है, तो देखिए पहले आप यहाँ तक बिल्कुल ध्यान से नोट कर ले। चलो ये प्रूफ का रिजल्ट मुझे चाहिए, अभी ऊपर का मैं रफ करता हूँ जो मैंने प्रूफ कर दिया। चलो ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, अब यहाँ क्या लिखना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इसे ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे देखिए, पहले एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू ए सी के पैरेलल। देखिए
एसी दोनों में सेम सेम आ रहा है। जब एस आर ए सी के भी पैरेलल है, पी क्यू ए सी के पैरेलल है, तो हम ये मान लेंगे कि ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा और जो पी क्यू हो जाएगा वो एस आर के पैरेलल भी हो जाएगा। ऐसे मान सकते हैं कि सेम नंबर है, कि सेम नंबर है, ऐसे मान सकते हैं आप कि ए सी से ए सी कैंसिल, यहाँ बचा पी क्यू, यहाँ बचा एस आर, देयर फॉर एस आर, ठीक है, यहाँ बचा क्या पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल हो जाएगा, चाहे तो आप ये लिख लो पी क्यू, ठीक है, यहाँ बचा पी क्यू, यहाँ बचा एस आर, जब ए सी से ए सी कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा पी क्यू पैरेलल हो जाएगा, यहाँ एस आर बचा एस आर के एंड। सिमिलरली देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए एस आर इक्वल है हाफ ऑफ ए सी और यहाँ पे पी क्यू इक्वल है हाफ ऑफ ए सी, तो अब देखिए इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है, अगर राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाती है, इसका मतलब पी क्यू इक्वल हो जाएगा एस आर के, और चाहे तो आप ये मान सकते हैं कि हाफ ऑफ ए सी से हाफ ऑफ ए सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा पी क्यू, यहाँ बचेगा एस आर, तो देन पी क्यू इक्वल हो जाएगा एस आर के, ठीक है। चलो, और ये रिजल्ट हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, देखिए ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया, ठीक है, इस बात का ध्यान दें, तो सेकंड वाला भी हमारा प्रूव हो गया। अब थर्ड वाले में क्या प्रूव करना है, थर्ड वाले में प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, तो इस वाली जो शेप है पी क्यू आर एस को हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम। तो देखिए कैसे हो गया, प्रूव तो ये हो चुका है, देखिए ध्यान से इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखिए पी क्यू आर एस में हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू साइड एस आर के पैरेलल है, जो पी क्यू साइड है एस आर के पैरेलल है और एंड पी क्यू क्या है एस आर के इक्वल है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल होता है और साथ ही पैरेलल होता है तो वो जो फिगर बन जाती है वो किसकी बन जाती है पैरेललोग्राम की, बिकॉज अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले इसको पहले ध्यान से नोट कर ले, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इतना करने के बाद देखिए इस वाले क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस को हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है, तो देखिए ये साइड हमने इसके पैरेलल कर दिया प्रूव यहाँ पर और ये साइड कर दी इसके इक्वल प्रूव, तो अब हम क्या कह सकते हैं देयरफॉर, इतना करने से हम क्या कह सकते हैं देयरफॉर कि जो पी क्यू आर एस हो जाएगा, जो पी क्यू आर एस हो जाएगा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, और रीजन यहाँ पे लिख देना लास्ट में बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, ये इसका रीजन है पैरेलल एंड इक्वल। अगर एक पेयर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो वो फिगर बन जाती है पैरेललोग्राम की, इस बात का ध्यान दें, वो बन जाता है समांतर चतुर्भुज। तो ये हमें प्रूव करना था और ये तीनों के सामने प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर वीडियो बच्चों अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच।